Hello and welcome to Bollywood Bala. I'm Sonup. De Pyaar De starring Ajay Devgn, Tabu and Rakul Preet has released all across India in cinema theatres, and I am here with my absolutely popular and super favourite three wise men. They have just finished watching the movie and they will tell us if this love story of a 50-year-old and a 26-year-old has charmed them or not. Babiji, welcome to Bollywood Bala. Hi, hi, Lalu ji. Welcome to Bollywood Wala. Love you, love you, love you. Rakul Preet Singh, Lalu uncle loves you. Hi, hi. The man with the usual thumbs up. Vijay ji, welcome to Bollywood Wala, sir. Bobby ji, main aapse chalu karta hu. Singham ek naye avatar mein aaj dikhe hai. Kaise lagi aapko De De Pyaar De? Pyaar denge aap? De De Pyaar De. Amitabh Bachchan ki super hit film Sharabi se title liya hua hai. Haan. लेकिन पिक्चर दे दे प्यार दे इज वेरी वेल मेड फिल्म. क्या बात है. इतना मतलब वेरी मैच्योर्ड लव स्टोरी है. मतलब कुछ हद तक मुझे ऐसा लगा ये शायद करीना और सैफ की बायोपिक बनाई है. एक्शन ऐसा लगता है ऑडियंस को शायद ये सैफ और करीना की बायोपिक है. इनफैक्ट आई थिंक अजय ने मेंशन भी किया था ये अमृता सिंह सब ऐसे बायोपिक लग रही क्योंकि तो बच्चे ही पता है उसके अंदर. तो ऐसा कभी कभी ऑडियंस को ऐसा लगता है. मतलब मूवी इज वेरी वेल मेड स्पेशली द सेकंड हाफ इज वेरी गुड. क्या बात है. तो पिक्चर मुझे तो बहुत अच्छी लगी. पिक्चर फनी थी. फनी भी थी, एंटरटेनिंग थी, इमोशनल भी थी. और सबसे बड़ा पिक्चर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों स्ट्रॉन्ग मैसेज है पिक्चर में. स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है पिक्चर में. अच्छा मैसेज पिक्चर में. वाह क्या बात है. आई तो लव द फिल्म. मतलब दिल जीत लिया आपका. तो पिक्चर अच्छी लगी. क्या बात है, क्या बात है. आई विल कम टू द परफॉर्मेंसेस लेटर ऑन टू बॉबी जी एंड नाउ हे लालू जी. दे दे प्यार दे छोड़िए, अजय देवगन छोड़िए, आज आप सिर्फ रकुल प्रीत के बारे में बात कीजिए. रकुल प्रीत सिंह से मैं कहूंगा कि माशाल्लाह सोनू इज अ बैचलर स्टिल सो यू कैन थिंक. आपसे भी कह रहा हूँ मैं आपसे भी कह रहा हूँ. यू कैन थिंक ऑफ गेटिंग मैरिड टू रकुल प्रीत. आई वुड लव टू. आई वुड फैंटास्टिक फैंटास्टिक शी इज अ फैंटास्टिक लुकर. क्या बात है, क्या बात है. मतलब लालू जी आपको इम्प्रेस ही कर दिया रकुल प्रीत ने. बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल. आई विल टेल यू द फर्स्ट हाफ आई वॉज ओनली एडमायरिंग रकुल प्रीत सिंह. बिल्कुल जैसे ईच एंड एवरी फ्रेम ऑफ द पिक्चर शी इज जेम. She is a darling. क्या बात है, क्या बात है. और performance कैसे लगा रकुल प्रीत का? Fantastic, I'll tell you. She is Rakul Preet Singh is a threat to Alia Bhatt. आई है. Yes, I'm telling you the truth. क्या बात है. Wait and see. मतलब she is a real talent. Real, 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 real talent in the real sense. क्या बात है. लालू जी absolutely impressed with Rakul Preet, which is nice. लालू जी film कैसे लगी आपको? Film साहब, I love the picture. I love the picture. और 2 घंटे 10 मिनट की picture है. और एक आई शुड नॉट बी रिवीलिंग ऑल दिस बट देर इज वन यस ऑल द टाइम यू नो वी हैव बीन कमेंटिंग ऑन दिस के डोंट पुट द टाइटल्स अलॉन्ग विद द पिक्चर. ओके. अ फैंटास्टिक सॉन्ग पिक्चराइज ऑन रकुल प्रीत सिंह एंड दे आर पुटिंग द टाइटल्स ऑन दैट. सो लाइक यू नो दे कैन गिव अ थॉट टू ऑल दीज थिंग्स. ओके ओके ओके. बट आई लव द पिक्चर लाइक यू लव द पिक्चर यू लव रकुल प्रीत. इट इज लालू जीज कप ऑफ टी. रकुल प्रीत सिंह इज डेफिनेटली लालूज कप ऑफ टी. हाय हाय क्या बात है. स्टीमिंग कप ऑफ टी ऑफ लालू जी. And the man who knows commercial cinema and the pulse of the audience, Vijay ji, thumbs up denge de de pyar dekho. Thumbs up dunga. Picture achhi banayi hai. Kya baat hai. Kahin kahin thodi loud ho jati hai. Okay. Aur do gana jo first song aur last song. Haan. Title chhod rahe. Haan. Bahut thodi gadbad ho gayi. Haan. Picture ka message hi achha hai. Ki ye divorce hi nahi hai lekin alag rehta hai Ajay Devgn. Okay. Aur ye ladki Rakul. Rakul haan. Wo unka love hota hai. Okay. Love hota hai ye kehte hai mere bacche paida kare do. Ajay Devgn bolte bolte kyun bolte hai. Enjoy karenge. मतलब मैं ये नहीं चाहता कि मैं आज 52 का हूँ, कल 54 का होगा, 70s का होगा. हाँ. तब बच्चे में कॉलेज जाएंगे. हाँ. मतलब मज़ा नहीं होगा. मतलब मेरा क्या. ओके. और लास्ट में थपो के डायलॉग बहुत जबरदस्त है. बोलते हैं आप 10 साल के बाद कुछ कर नहीं पाओगे लेकिन ये जो लड़की है 10 साल के बाद भी जवान रहेगी और ये आपको चीट करेगी उसमें कोई मुकाबला नहीं. तो रियल बात है. ये बात रियल है. करेक्ट. मैसेज बहुत अच्छा है. Okay. और मैसेज रॉन्ग भी है. ओके. मैसेज रॉन्ग भी है दोनों के लिए. ओके. हाँ ठीक है. अजय तुम बताए एंजॉय करेंगे. ओके. अब मैं 70 होने के बाद क्या करूँगा. करेक्ट. कि मेरा बच्चा कॉलेज जाएगा तो मजा नहीं आएगा. करेक्ट. और ये तो जवान है. Okay. और 10 साल के बाद ही जवान ही रहेगी. मतलब चीट तो करेगी. मतलब आपने एंजॉय किया. रियल स्टोरी है. ओके. अच्छा मैसेज है. ओके. लोगों को देखना चाहिए. ओके. सबका परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है. ओके. लेकिन सबसे एंट्री बहुत भारी है तो टब्बू की. क्या बात है. एंट्री लीड और पीछे एंट्री होता है. ओ वाह. मतलब अजय देवगन की एंट्री को माना जाता है यूजुअली बट तब्बू ने यहाँ पे शैडो कर ओवरशैडो कर दिया. क्या बात है. वेलकम टू द परफॉर्मेंस ऑफ विजय जी. बॉबी जी अजय देवगन कैसे लगे आपको. अजय देवगन मतलब पिक्चर में बहुत
कम बात की अजय देवगन ने, लेकिन बॉलीवुड में फेमस है अजय देवगन की आंखें बोलती है, तो इस फिल्म में डायलॉग कोई बोल रहा है, अजय देवगन इज नॉट टॉकिंग, इन स्पाइट ऑफ दैट उनका परफॉर्मेंस जबरदस्त है, बहुत कम बोले पिक्चर में, लेकिन जब भी बोले जबरदस्त बोले, डायलॉग्स उनके बहुत, जितने भी डायलॉग्स देखे बहुत अच्छे डायलॉग्स देखे, अजय देवगन का दिस वाज अ टेलर मेड रोल फॉर एवरीबॉडी, अजय देवगन तब्बू रकुल सबके लिए परफेक्ट रोल था, परफेक्ट कास्टिंग थी, अजय देवगन तो पूरी फिल्म में छा गए, और रकुल है सुपर कूल, शी लुक्स हॉट गॉर्जियस, शी लुक्स दमदार परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, तब्बू की एंट्री होती है ना तो रकुल का क्रेज थोड़ा कम हो जाता है, तब्बू फिर इंटरवल पॉइंट पे उनकी एंट्री होती है, और बाद में जो तब्बू के अपनी करिश्मा बताते हैं तो ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा, तो स्पेशली जब पोल खुलती है कि अजय देवगन तब्बू के भाई नहीं है, उनके मामा नहीं उनके पति है, उसके बाद वाला जो सीन है ना, इमोशनल सीन है वो, तब्बू जिस तरह डायलॉग मारती है ना, दैट वाज द पिक्चर का सबसे हाईलाइट सीन है। क्या बात है, क्या बात, जबरदस्त सीन है, मतलब तीनों एक्टर्स ने कमाल का काम कर दिया, कमाल कर दिया, देखो जो मैसेज तो बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, मतलब फॉर लव देयर इज नो एज डिफरेंस, लेकिन जो लोग शादी करते हैं जिसमें एज गैप 18 20 साल 25 साल का होता है, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन हैपन, उनके लिए फिल्म जरूर देखनी चाहिए। ओके ओके ओके, लालू जी आप स्माइल कर रहे हो, ऐसा कभी इश्क आपके लाइफ में भी हुआ है? अभी आई वुड रिक्वेस्ट डायरेक्टर अकीब अली कि ऐसा कुछ सब्जेक्ट लालू मखीजा के लिए भी सोचो, और साथ में हीरोइन रकुल होनी चाहिए। I mean, she can be my granddaughter, like, you know, she is my granddaughter age, of course. But then, you know, like, I love all these subjects. Subjects, like, absolutely. Lalu ji, performance की बात करें, अजय तब्बू, अजय देवगन, yes, जैसे बॉबी जी ने भी कह दिया कि अजय देवगन speaks more with his body language and his eyes, which is correct. And तब्बू अपनी जगह, मतलब, you know, माशाल्लाह, she is a fantastic actress. And everyone, you know, all the artists have performed very well. Yes. Okay. So you loved it? Yeah, I loved it. Excellent, excellent. Vijay ji, ek baat hai, uski beti jo hai na, usne Ajay Devgn bahut chilladi hai. Okay. Jab aata aap kyun aaye yahan? To zyada gussa banta hai. Par aakhir mein uska baap hai na wo. Wo thoda ye kya ho gaya? Aur tabbu usko rakhi bandhi bolta hai ye mera bhai hai. Aur husband bhai mein aap itna ye sab mat गड़बड़ मत करो, इतना कोई आजकल दिखाता नहीं है, इन्होंने ये कुछ बता दिया, बाकी काम सबका जबरदस्त है, दोनों एक दूसरे बगैर रह नहीं सकते, एज डिफरेंट है, लेकिन क्या करें, लोगों की जरूरत है, तो ये बताए, अच्छा बताए कि फॉरन में अजय देवगन अकेला आई है, काम कर दिए, अलग हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे की याद आती है, तो अकेला पड़े ना, तो स्टोरी अच्छी है, काम दमदार है, सबका काम जबरदस्त है, तब्बू का बोलो, अजय का बोलो, रुकल का बोलो, एक बार अजय देवगन उसका सो जाता है, तब अजय देवगन बोल, तब्बू कहती है अजय देवगन को उसको मत बोलना, फिर जाके बोल देते हैं, तो तब्बू ने कहा था, मैंने कहा था मत बोल, उसकी उम्र देख, उसको मत बोल, उसको गुस्सा आएगा, और तब वो कहती है अभी अभी तक मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है, ये मेरा हस्बैंड है, बहुत स्टोरी अच्छी लाइन है। अजय देवगन 50 ईयर्स के बताए, पर ही लुक्स डैशिंग फॉर्मल में, माय गॉड ही लुक्स लाइक, मतलब लड़कियां पागल हो जाएगी, क्या बात है, 35 के लग रहे हैं, अजय सो फिट, काम तो दमदार किया है, अजय के अलावा तब्बू और रकुल ने भी जबरदस्त काम किया, इन तीनों के अलावा जिमी शेर के लिए ऑल्सो वेरी फनी, जो तब अजय देवगन ने जो दो एक लड़का बताया उसका, वो भी उसने भी बहुत अच्छा काम किया, लड़की ने भी बहुत अच्छा काम किया, आलोक नाथ ने भी अच्छा काम किया, दूसरे एक बुढ़िया बताए, बाकी दूसरे लोग कलाकार सब ने बेहतरीन काम किया है, क्या बात है, वेरी वेल मेड, वेरी वेल डायरेक्टेड, वेरी वेल स्क्रिप्टेड फिल्म, क्या बात है। सिंस विजय जी ने राखी का बात किया, मैं लालू जी से पूछना चाहता हूँ, एग्जैक्टली ये जो राखी की, जो राखी बांधने की जो सीन है ना, ये तब्बू की, that could have been avoided. Oh. That could have been avoided, you see. I mean, whenever you see the picture, you realize, you know, because ultimately, the truth has to prevail, isn't it? So, that could have been avoided. Only thing, last mein Jawed Jafri nahi bataye. Jawed Jafri ke teen hi scene hai, but he's very good in that three scene. So, ek bar beech mein bolta hai, ki aakhir mein tumhe meri zarurat padegi. Lekin end mein nahi bataya Jawed Jafri. Okay. Great reviews coming in. Chaliye, Vijay ji, jaane se pehle kitna stars denge aap? Ji, 5 mein se 3.5. 5 mein se 3.5? लालू जी, मैं कहूँगा साहब, दे दे प्यार दे जैसी पिक्चरें हमको और भी दे दे। आए हाय, स्टार्स कितना देंगे? स्टार्स, यस, आई कैन गिव यू आउट ऑफ 5, आई कैन गिव यू मिनिमम 4। और या रकुल के लिए? रकुल के लिए तो साहब 5 में से 7। आए हाय रैया। बाबू जी, अजय देवगन ने एंटायर कास्ट परफॉर्मेंस के लिए 5 में से 5, पिक्चर को 5 में से 4,
It's a very good watch. Go and watch De De Pyar De only in theaters. Kya baat hai. There you heard it from our three wise men. It's getting absolutely hot out here because the temperature in Mumbai is really soaring. And so is this film, which is getting rave reviews from our three wise men. So if you want to watch this movie, book your tickets at a theater nearby. This is Sonup signing off from Bollywood Bala. And that is Bobby G saying bye. Vijay G showing his thumbs up. And of course, Lalu G with his flying kiss. Hey, hi. Bye-bye.